अब मसाइल का हल जिस तरह पीटीएम के साथ पीटीआई के साथ नहीं, उसी तरह पीडीएम के साथ नहीं, मसाइल का एक ही हल है कि अवाम को इख्तियार दिया जाए, इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक रोड भी मैं दिया था और आज फिर कहना चाहता हूं कि आज फिर मैं ऐलान करूं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था। पाकिस्तान को बचाना चाहते हो तो एक बार फिर 14 अगस्त 2023 को इलेक्शन का ऐलान किया जाए, ताकि लोग जुल्म और जबर मुनाफिकत की सियासत से निजात के लिए एक बार फिर वोट का इस्तेमाल करे। ये मेराज है हमारी इज्जत का, हमारी अजमत का, इसलिए शोहदा का एहतराम तो सब पर लाजम है। लेकिन मैं फिर मशवरा दूंगा सियासी जमातों को कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आइए मिलकर इस पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए, माशी बदहाली से निकालने के लिए, बदमने के खात्मे के लिए हम मिलकर एक फिर डायलॉग का एक एहतमाम करें। जमात इस्लामी ने पीडीएम, पीटीआई और दूसरे सियासी जमातों के दरमियान इसलिए डायलॉग का एहतमाम किया कि हम समझते हैं कि ये मेराज है हमारी इज्जत का, हमारी अजमत का, इसलिए शोहदा का एहतराम तो सब पर लाजम है। लेकिन मैं फिर मशवरा दूंगा सियासी जमातों को कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आइए मिलकर इस पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए, माशी बदहाली से निकालने के लिए, बदमने के खात्मे के लिए हम मिलकर एक फिर डायलॉग का एक एहतमाम करें। जमात इस्लामी ने पीडीएम, पीटीआई और दूसरे सियासी जमातों के दरमियान इसलिए डायलॉग का एहतमाम किया कि हम समझते हैं